भारत देश की 8 अनकही अनसुनी कहानियां और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त विभूतियां। ये वो 8 विभूतियां हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि हर एक उस सामान्य मनुष्य को एक प्रेरणा, खुशी और एक अंदाज में राहत पहुंचाई है। हम तुम में रहने वाले कौन है ये महान हस्तियां जिनके बारे में न अभी तक कहा गया और न सुना गया। चलिए तो जानते हैं हर एक की कुछ रोचक और कुछ प्रेरणादायी कहानियां। हजप्पा 1977 से मंगलुरु बस डिपो में संतरा बेचते हैं। अनपढ़ है और कभी स्कूल नहीं गए। अपने गांव में शिक्षा में क्रांति लाने की इच्छा उनके मन में 1978 से तब आई जब एक विदेशी ने उनसे संतरे की कीमत पूछी। पद्म पुरस्कार विजेता ने बताया, चूंकि मैं विदेशी के साथ संवाद नहीं कर सका मुझे बुरा लगा और मैंने गांव में एक स्कूल बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं केवल कन्नड़ जानता हूं, अंग्रेजी या हिंदी नहीं, इसलिए मैं उदास था क्योंकि मैं विदेशी की मदद नहीं कर सका। मैंने अपने गांव में एक स्कूल बनाने के बारे में सोचा, बस यही सब कुछ। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मताराम भांबू 1975 से अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। यही नहीं, इनमें से 3.5 लाख पेड़ बन चुके हैं। इसमें 6 एकड़ में 11,000 वृक्षों वाला एक जंगल भी शामिल है। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए हाल ही में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। पर्यावरण के प्रति प्रेम उन्हें संस्कारों के रूप में मिला। नागौर जिले के सुखवासी गांव के रहने वाले हिम्मता राम जब 18 साल के थे तो उनकी दादी ने उनसे पीपल की एक पौधा लगवाया था और इस पौधे को पूरा ध्यान रखने के लिए कहा। उस दिन दादी से मिली प्रेरणा का नतीजा यह है कि 1975 से अब तक हिम्मता राम राजस्थान के कोने कोने के करीब 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। बुजुर्ग समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को लावारिस लाशों का मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 वर्षों में 25,000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 30 वर्ष पूर्व युवा पुत्र की मार्ग दुर्घटना से मौत और लावारिस के तौर पर उसके अंतिम संस्कार ने शरीफ पर ऐसा असर डाला कि वो किसी भी लावारिस शव के वारिस बनकर सामने आए। गौरतलब है कि मोहम्मद शरीफ को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित होने के लिए 2020 में भी पत्र मिला था लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं मिल सका। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, साथ ही स्वास्थ्य खराब होने की वजह से परिवार परेशान रहता है। बीते कुछ महीनों पहले उनकी हालात बेहद खराब हो गई। परिजनों के पास उनके इलाज कराने तक के पैसे ही बचे थे। यह अहमदनगर जिले के कोंभालने तालुका अकोले यहां की रहने वाली है। बायस संस्थान ने इन्हें साथ दी और कुछ बचत गट की महिलाओं को लेकर कलसुबाई बीज संवर्धन समिति स्थापना की और इसकी संस्थापक खुद राहीबाई बनी। राहीबाई आदिवासी गरीब महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, राहीबाई पुरानी पद्धति की तकनीकी को ध्यान में रखकर जैविक खेती को एक नया आयाम दे रही है।
इन्होंने 50 एकड़ से भी ज्यादा भू संरक्षण किए, उसमें कई तरह की सब्जियां और धान उगाने का काम किया है। आदिवासी परिवार की महिला जो अपनी खेती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती हुई, इन्होंने अपने बेमिसाल हौसले के बुनियाद पर अपने ही गांव के 35,000 महिलाओं को खेती से जोड़कर अपने पैरों पर खड़ा रहने की ताकत दी। अपने दुख दर्द भूलकर जिंदगी के इमारत की नींव रची। कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब वह सम्मान लेने के लिए पहुंची तो उनके बदन पर पारंपरिक धोती थी और पैरों के नीचे चप्पल तक नहीं थी। कर्नाटक में हलक्की जनजाति से नाता रखने वाली तुलसी गौड़ा, इनका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। स्थिति इनकी चिंताजनक थी कि उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा तक ग्रहण नहीं की। प्रकृति के प्रति प्रेम के चलते वह अपना ज्यादातर समय जंगलों में बिताते। धीरे धीरे यह जंगल भी उन्हें पहचानने लगा। पौधों और जड़ी बूटियों के ध्यान के कारण आज दुनिया उन्हें जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के रूप से जानती है। देश की सबसे भयानक विभीषिकाओं में से एक 1984 की भोपाल ग्रेस त्रासदी। इस दर्दनाक हादसे ने जहां कईयों की जान ले ली थी, वही कुछ ऐसे भी थे जो बाकी बची जिंदगियों से उस बुरी याद के निशान मिटाने की कोशिश कर रहे। उन्हीं में से एक सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर उनकी पत्नी खुश भी रही, लेकिन पति की याद में आंखें भी नम हो गई। पत्नी शायरा बानो ने कहा कि अगर उनके पति जिंदा होते तो दोनों साथ में यह पुरस्कार लेते। उन्होंने कहा, मैं खुश भी हूं और दुखी भी। अगर वह जिंदा होते तो हम यह सम्मान साथ में लेते। मेरे ससुराल के लोगों की जान भोपाल त्रासदी में चली गई और उसके बाद मेरे पति ने पीड़ितों के लिए यह काम करने का फैसला किया। वह खुद भी गैस के नुकसान झेल रहे थे। मिजोरम के 94 वर्षीय पत्रकार लालबिग थांगा पचुवाऊ को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर लालबिग थांगा पचुवाऊ का कहना था कि जब तक संभव होगा वह अपना काम इसी तरह करते रहेंगे। बता दे कि मिजोरम के सूचना और जनसंपर्क विभाग और मिजोरम पत्रकार संघ द्वारा वर्ष 2016 में लालबिग थांगा पचुवाऊ को देश का सबसे उम्रदराज कामकाजी पत्रकार घोषित किया गया था। 1927 में मिजोरम की राजधानी आइजोल से 80 किलोमीटर दूर सैंचल गांव में जन्मे पचुवाऊ वर्ष 1945 में ब्रिटिश भारतीय सेना की असम रेजिमेंट में शामिल हुए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। भारत के वन्य जीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा जब हाथियों के बारे में बात करते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है।
अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजार चुके डॉक्टर शर्मा ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे। मैं यहाँ के हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। उनसे संकेत में बात करता हूँ, उनके लिए खाने का सामान लेकर आता हूँ, यहाँ तक उन्होंने कहा, अधिकतर हाथी अब मुझे पहचानते हैं। ये वो गुमनाम थे जिनको आज सम्मान मिला, और यह वस्त्रों की नहीं व्यक्तित्व की चमक का प्रभाव है, ग्लैमर की चकाचौंध नहीं, धरातल पर किए हुए कार्य का परिणाम है, नंगे पैर नहीं, वस्त्रों का प्रकार नहीं, उनके चमकते आभामंडल को देखिए। किसी ने पहाड़ तोड़कर गांव के लिए पानी की नहर बनवाई, किसी ने संतरे बेचकर स्कूल बनवाई, तो किसी ने चाय बेचकर छात्रों को पढ़ाया, तो किसी ने अकेले ही हजारों वृक्ष लगाकर इसका जतन किया। पद्म पुरस्कार अब बड़े शहरों और ऊंचे मकानों से निकलकर गांव और कस्बों